अरे बाप रे, फिर से आ गया। हाय अंजलि। हाय फ्रेंड्स। हाय बॉस। अंजलि, कल रात को मैंने अपने लव के बारे में माँ को बता दिया, उन्होंने ओके भी कर दी। क्या क्या का क्या मतलब? पहला पहला प्यार है ना, रात को बढ़िया सा सपना भी देखा था, हम दोनों की शादी हो गई, एक ही साल में जुड़े बच्चे भी हो गए, बेटा और बेटी, बेटे का नाम सूरज, बेटी का चांदनी। सूरज और चांदनी? नाम पसंद नहीं है तो दूसरे नाम ढूंढ लेंगे, हम दोनों मिलके ढूंढेंगे। इत्मीनान से सोच लो, चाहो तो यार लेट के सोच लो। यू आई लव यू की कोई जल्दी नहीं है, तुम बाद में भी बोल सकती हो। बाय फ्रेंड्स। अंजलि, ये क्या, आई लव यू तक पहुंचने से पहले बच्चों का नाम रख दिया? अच्छा पहले ये बता, तुझे बच्चों के नाम पसंद है या नहीं? हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो, एक जरूरी सूचना देनी है, सब लोग 2 मिनट के लिए रुक जाइए प्लीज। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सुनिए, लड़कियां ना भी सुने तो भी चलेगा लेकिन लड़के जरूर सुने। ये मेरी जिंदगी का सवाल, ये मेरे जीने मरने का सवाल है। गलती हो गई गुरु। वही यहाँ ये ट्रैफिक जाम कैसे? यहाँ जो चाहे जिसे चाहे प्यार कर सकता है, हर कोई एक दूसरे को लाइन मार सकता है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। आज तो ये माइक लगा के आया है, उसे कुछ अनाउंस करना होगा। तुझे क्या, घूम फिर कर आखिर में मुझ तक ही आएगा। अब मेरी ही बात ले लीजिए, उस लड़के का नाम है अंजलि, उस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। मेरे खाना मुझ तक ही आएगा, माइक लगा के बोल रहा है। इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ, उस पर किसी ने आंख उठाने की भी जरूरत की तो तूफान उठा दूंगा मैं। यू आई विल सर, आइए सर, सही वक्त पे आए, ये मुझे परेशान कर रहा है, अरेस्ट कीजिए सर। तुम्हारी शिकायत के बिना पर मैं इसे अरेस्ट करके हवालात में डालूं, फिर तुम आके अफफो ये वो नहीं है कहकर मेरे मुंह पे कालिक पोत दोगे, और ये महाशय मुझसे मुहूर्त निकलवाओ वरना तूफान उठा दूंगा कहेगा। ये सब मुझे जरूरी है महोदय, आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। कहो तो ट्रैफिक क्लियर करूं। कर दीजिए सर। ओके ओके। पुलिस वाले से कंप्लेन किया तो उसे भी पटा लिया इसने। छोड़ ना, उसकी खबर बाद में ले लेते हैं। आई लव यू। ये गुलाबी गुलाब खास आपके लिए। आप घोंचू, पूरे 200 रुपए खर्च करके माइक सेट लगा के ट्रैफिक को रोक के मैं इसे पटा रहा हूँ, तू आ गया बीच में आई लव यू बोल के। ए, तेरे से मैं बहुत सीनियर हूँ, चल जा वेटिंग लिस्ट में आ जा। ओ तो वो महापुरुष आप ही हैं, आप ही की वजह से तो ये मुझे मिली है। थैंक्स, मैं प्यार करता हूँ, आप चलते बनिए। ए, क्या बकवास कर रहा है? चल फट। ये पहले ही बोल सकते थे ना। अंजलि देखो वो दोनों लड़ रहे हैं। हाँ तो तू जाके रोक, ये बस भी नहीं आ रही है। ओ विलन मैं हीरो, हीरो जब विलन को मारता है तो हीरोइन को आई लव यू बोलना चाहिए। बोलो ये सब क्यों कर रहे हो तुम? अपनी भूल के लिए पुलिस स्टेशन में सॉरी बोल दिया था मैंने, वहीं पर बात खत्म करनी चाहिए थी। दोबारा आके 2 मिनट बात करनी है कहके अपने नाम की कहानी सुनाकर मुझे कंफ्यूज कर दिया। आई लव यू कहकर माँ ने मंजूरी दिया, सपना देखा, बच्चे पैदा किए और बच्चों का नाम कैसा है पूछ रहे हो, और अभी माइक लगाकर दुनिया के सामने मेरे इज्जत दिखाते हो। अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो कल पेपर में छपाओगे, परसों टीवी में अनाउंस करवाओगे। अरे वाह, ये पेपर और टीवी का आइडिया तो बहुत बढ़िया है, मुझे क्यों नहीं सूझी? छूने के लिए थैंक्स। आखिर तुम समझते क्या हो? यही कि तुम उसे बेहद प्यार करती हो। तेरा सर, सबने भी तुझसे प्यार नहीं करूंगी। करोगी? नहीं करूंगी। करोगी आज नहीं तो कल, तुम्हें करना ही पड़ेगा। पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन तुझसे प्यार नहीं करूंगी। ओके चैलेंज। चैलेंज? इतना गुरूर है? बिल्कुल। तो 1 घंटा मेरे साथ बिताओ, तुम्हारा गुरूर चूर हो जाएगा। क्या करोगे? मेरी परछाई भी तुम पर नहीं पड़ेगी, फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगी? नहीं किया तो? मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सचमुच वादा निभाओगे? कभी अपना मुंह नहीं दिखाओगे ना? ए अंजलि, तू क्या इसके साथ जाएगी? ए क्लास, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम जाओ, रोज रोज के इस टॉर्चर से 1 घंटे का क्लास कट कर दिया समझकर इसके साथ बिताऊंगी। क्या करना होगा? बस में चढ़ो, चलो। स्टॉप स्टॉप, तशरीफ लाइए। बाय क्लास। गुस्से में तुम और भी सुंदर दिखती हो, सोच रही हो मैं ऐसा कुछ कहूंगा? बदसूरत लग रही हो, सिर्फ 1 घंटा साथ रहने वाली हो, थोड़ा मुस्कुरा नहीं सकती? 2 पैकेट देना यार। ये लीजिए।
तुम्हारे टाइम के 45 मिनट तो पूरे हो गए। अभी 15 मिनट बाकी है ना, चल क्या जल्दी है। कहाँ? भैया। भैया, तुमसे मिले कितने दिन हो गए? क्यों रे, पिछले हफ्ते ही तो आया था, भूल गए? अंजलि, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, इन्हें नमस्ते बोलो। नमस्ते। कौन है ये? भाभी। भाभी? कौन भाभी? कौन भाभी? किसने कहा भाभी हूँ? कौन भाभी? बताओ। अंजलि, अंजलि, इतना टेंशन क्यों लेती हो? इनके भाभी कहने से तुम भाभी बन जाओगी, तुम्हें खुद पे भरोसा है ना? हाँ। हाँ। बच्चों को भूख लगी होगी, उन्हें खिला दो। जितनी लंबी जुबान उतनी कम अकल, इतने सारे बच्चों के लिए इतना काफी होगा क्या? मेरे पास पैसे उतने ही थे। भैया हटो, सुनो, हमें पेट भर खिलाने की कोई जरूरत नहीं, प्यार से एक निवाला दो वही काफी है। हमारा कोई नहीं है भैया की तरह, कभी कभी तुम भी हमें देखने आया करोगी? जरूर आऊंगी। हमको सब लोग अनाथ बोलते हैं। अनाथ यानी क्या है? अनाथ यानी भगवान के बच्चे। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? चलो बच्चे लोग सब जाके खेलो जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया जानती हो? ये एक मंदिर है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। अब बोलो, तुम मुझे चाहती हो या नहीं? मैं कॉलेज नहीं चलूंगी। क्यों नहीं जाएगी? उससे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं नहीं चलूंगी। यानी तुम उससे प्यार करती हो? मैंने कहा, कहने की क्या जरूरत है? बड़ी जोर की भूख लगी यार, चलो कैंटीन चलते। हाँ चलो यार। क्यों रे, अंजलि से प्यार करने वाला तू ही है ना? क्यों, लव लेटर भिजवाया उसने? क्यों, तुम्हें डर है कि कहीं मास ना आ जाए? अब वो नहीं आएगा, मैंने अपने भैया से कह दिया, अब तक वो उसके हाथ पांव तोड़ चुके होंगे। ये तूने क्या किया? तेरा भाई तो बहुत बड़ा गुंडा है, मुझे ये सब पसंद नहीं। फौरन फोन करके उसे रोक दो। क्या हुआ? भैया मास की पिटाई करके यहाँ ला रहे हैं। अरे री, मेरे भैया नीचे गिर गए। भैया, जो मुझे मारने आता है उसकी मैं धज्जियाँ ना उड़ा दूं तो मैं मर्द कहलाने लायक नहीं। उसी तरह जिसे मैं प्यार करता हूँ उसकी इच्छा पूरी ना करूँ तो भी मैं मर्द नहीं। क्यों, तुम चाहती हो मेरे हाथ पैर टूटे और खून बहे, इतना ही है ना? तुम यही चाहती थी ना कि मेरा सर फूटे और खून बहे? हैप्पी, अब तो मुझे समझो। मरना है क्या? अब वो कैसे हैं? वेट कीजिए। बहुत देर हो गई अंजलि, सुबह देखते हैं, घर पे तुम्हारे दादाजी और दादी माँ परेशान हो रहे होंगे, चलो चलते हैं। जब तक पता नहीं चलता कि वो खतरे से बाहर हैं,
मैं यहाँ से नहीं चलूंगी, काफी देर हो चुकी है। डॉक्टर अब वो खतरे से बाहर है, फिक्र मत कीजिए, आप जाके मिल सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। बीच सड़क पर किसी से चुम्मा लेती है, ऐसे क्या देखती है? मुझे कैसे पता चला? उसने देखा था। माफ कीजिए दादाजी, आप चाहे कुछ भी समझिए, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। चांदनी भैया, ये भाभी की तरह से है। भाभी? हाँ भाभी। अरे रुको रुको, भैया आ रहे ना, आइए। वेलकम वेलकम। चलो ऊपर चलते हैं। अरे नहीं, क्या कर रहे हो भैया? माँ, मैंने कहा था ना, पसंद आई अंजलि मास। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। कैसे? नामकरण का सौभाग्य सिर्फ माता पिता को मिलता है, लेकिन एक प्रेमिका अपने प्रेमी का नाम रखे ऐसा सौभाग्य सिर्फ मुझे मिला है। आज ये तुम्हारा नाम है गणेश। मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उस गणेश जी से बोला करती हूँ। आज के बाद इस गणेश जी से बोलूंगी। नमस्ते गणेश भाई। ए, जासूसी अंजलि, ये आदि है ना? मैं बताता हूँ, मैं गणेश भैया का छोटा भाई। तुम्हारे भैया का जो मैंने नाम रखा वो अच्छा है? नाम भी अच्छा है, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी है, लेकिन तुम्हारे प्यार करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। हाँ वही लेट कर दिया ना, अब पढ़ाई खत्म करते ही शादी कर लेना। उसके लिए एक साल लगेगा, कभी नहीं, कल ही शादी। शादी कल ही करने वाली हो? नहीं हो सकती मैडम, दूसरे लवर्स की तरह हम भी एंजॉय करेंगे, बाइक पर घूमेंगे, सिनेमा देखेंगे, साथ साथ आइसक्रीम खाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। क्यों आदि? भाभी तो मजाक कर रही है भैया। मैं सीरियस ही बोल रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वो मेरे मन में भी है। तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जान गई, मेरे बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। मेरे डैडी एक डॉन है, नाम है सत्या। बारह करोड़ का फायदा हुआ है। अच्छा, गुड। देखो शत्रु, तुम क्या करोगे आज कॉलेज में? अरे मैं बात कर रहा हूँ, अब जाओ। अंजलि, तुम? भैया, तुम मेरे भाई होने के साथ साथ एक दोस्त भी हो, लेकिन आज तुम्हें देखती हूँ तो मुझे डर लगता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ, मैं वहीं रह के पढ़ूंगी। मेरे खातिर तुम ही डैडी को मनाओगे। पोती वहां आ रही है इस वजह से खुश होने की जरूरत नहीं, अंजलि वहां आपके साथ रह के पढ़ाई करेगी, सिर्फ पढ़ाई। वो छोड़कर कुछ और हुआ तो आप मेरे बारे में जानते हैं ना? जानता हूं। जिस दिन तुमने अपने प्यार का इजहार किया उसी लम्हे मैं तुम्हारी हो गई, लेकिन मेरे डैडी और भैया की डर की वजह से आज तक तुमसे दूर रहती आई।
अंजलि, पूरी दुनिया एक होकर मुझसे मुकाबला करे, फिर भी हम जुदा नहीं होंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर हमने अभी शादी कर ली तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। गणेश, तुम्हारा अपना कोई नहीं, इसीलिए अकेले हो। सबके होते हुए भी मैं अकेली हूँ। हमें एक दूसरे की जरूरत है।